वेलकम टू होनर स्कूप गाइस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो कि मेरा पहला हॉन्टेड एक्सपीरियंस था जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था। और मैंने कहा था कि ये वीडियो छोटे दिल के लोगों के लिए नहीं है, जिनको डर लगता है वो वीडियो ना देखें। दोबारा मैं यही कह रहा हूँ। इस बार जो मैं अपना सेकेंड हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यह है लगभग 2011-2012 के बीच में। सहारनपुर में मलीपुर रोड है, वहाँ पे एक जिम था, वहाँ का हॉन्टेड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना है गाइस। तो जिनका दिल थोड़ा छोटा है वो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दें, और जो थोड़े सॉलिड वाले हैं, जिनका दिल थोड़ा सॉलिड है, बिल्कुल चलें मेरे साथ पास्ट में, याद करते हैं कि क्या हुआ था गाइस। 2011 के आसपास मैं कॉलेज में था, तो सिर्फ मैं था जो सहारनपुर में था, जो अपना कॉलेज परस्यू कर रहा था बीकॉम। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लेते हैं, उसको मान लेते हैं मिस्टर एम। सो वो जॉब कर रहा था दिल्ली में, तो वो आया हुआ था अपने घर सहारनपुर। सो एज़ वी आर बेस्टीज, सो हम मैं जिम जाना था, तो मैंने उसको कहा कि चल यार मेरे साथ चलते हैं। तो सहारनपुर यार छोटा शहर है, तो वहाँ पे क्या है कि हर चीज़ पास पास ही है, तो मतलब पास मतलब अच्छे से 1-1.5-2 किलोमीटर। सो हम पैदल ही जिम जाने लगे। सो बैक इन 2005 और 2006 में, हम जब 10th में थे, तो एक एक्सीडेंट हुआ था उसी मलीपुर रोड पे। और जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कोचिंग था, जो कि साइंस का कोचिंग था। सो वो थोड़ा सा एक्सीडेंट इस हिसाब से था कि एक बंदा साइकिल पे जा रहा था, पीछे उसकी मिसेस थी, पता नहीं बैलेंस का कुछ हुआ और उसकी मिसेस गिर गई, और पीछे से ट्रक ने उसका जो मिसेस थी वो जो सिर था वो कुचला गया, या ऐसा कुछ। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन ऐसा कुछ था। सो जब हम उसी साथ उसी रोड से उसी जगह से बैक इन 2011-12 जब हम क्रॉस कर रहे थे, सो मिस्टर एम ने मुझे बोला, यार कुछ याद है यहाँ पे क्या हुआ था? सो आई सेड हाँ यार, मतलब बहुत ही डरावना था, बट क्योंकि एक्सीडेंट इस हिसाब से, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पे थे तो आपने नीचे प्रॉपर देखा था, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो सिचुएशन थी, समझ रहे हैं। सो अब उसने उस सिचुएशन पे जोक करना शुरू कर दिया कि उसका हस्बैंड है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा, दूसरी शादी कर ली होगी, प्लस थोड़ा सा वो एक्सट्रीम चला गया। और उसी रोड पे ही मेरा जिम था, लगभग मान लो आगे 300-400-500 मीटर। तो हुआ क्या एकदम से, वो अपना जो हम लोग जो यंगस्टर होते हैं आज, मतलब फ्रेंड्स में जैसे जिस तरह से हम बात करते हैं, वो उसी तरीके से नॉनवेज लैंग्वेज में थोड़ी बहुत मजाक करता रहा। सो आई सेड यार क्या फ़ायदा, छोड़ना क्या फ़ायदा है ना। एट द एंड कट टू, मैंने जिम स्टार्ट की, जिम किया, तो मेरे को जिम करने में लगभग 45-60 मिनट्स लगे। तो जब मेरी जिम ख़त्म हुई, वो साथ में बैठा था, बिकॉज छोटे शहर में एक दूसरे को सब जानते हैं, तो जिम ओनर था वो जानता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ही वॉज जस्ट सिटिंग, प्लस और जो बंदे थे उनसे हाथ वगैरह मिलाया हमने, है ना। तो मैंने कहा चलिए यार मिस्टर एम, व्हाट वी कैन डू, हम चलते हैं, बस मैं हाथ मिला लूँ सबसे ना, क्योंकि एक थोड़ा होता है कि चल यार कल मिलते हैं ऐसे। इतनी देर में मैं हाथ मिलाने गया जो कोच थे उनसे, और जो बाकी मेरे जानने वाले फैलो जो जिम कर रहे थे वो, तो हुआ क्या कि इतनी देर में मैंने देखा कि जो मिस्टर एम है वो है ही नहीं आसपास कहीं। ये जो टाइम हो रहा है इस समय, हो रहा है शाम के 7:30 बजे, और हम जिम एंटर किए थे लगभग 6 समथिंग बजे, तो तब उजाला था, अब रात हो चुकी थी एक हिसाब से। तो मैंने देखा कि यार ये बंदा है ही नहीं, मतलब आसपास ही नहीं है। तो जिम का शटर खुला हुआ था, मैंने देखा तो ये सामने रोड पार करके एक जगह थी जहाँ पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ पे भागता हुआ, मतलब डरता हुआ, पीछे जैसे कोई इसके पड़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे मतलब मुंडी पीछे थी, भाग आगे रहा था, दिखा नहीं, और भागे जा रहा है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया उसको। कहा यार मिस्टर एम क्या हो? इतनी देर में धड़ाम से बंदा गिरता है,
वो डर रहा था, ये पीछे देख रहा था किसी को कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आया मेरे को क्या। एकदम से धड़ाम करके नीचे गिरा रोड पे, और नीचे गिरने के बाद इसका ये सिर था, सिर के जस्ट पास से एक बंदा बाइक से आ रहा था, जो उसका पहिया था उसके सिर सिर के पास एकदम से रुका, ब्रेक लगी। अगर वो ब्रेक ना मारता तो शायद इसका जो सिर है वो उस बंदे की बाइक में, बाइक के पहिए में आ जाता। अब ये धड़ाम से गिरा तो मैंने, फर्स्ट इंस्टेंट होती है आदमी के, आदमी भाग के उठाने की कोशिश करता है। मैं गया एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग अबाउट 17 इंच ऑफ बाइसेप्स, मतलब अच्छा खासा हट्टा काटा जिसे कहते हैं ना, जिम वाला बंदा था मैं। तो मैं गया, मैंने देखा अगले बंदे की आंखें उल्टी थी, मैं मिस्टर एम की बात कर रहा हूँ, आंखें ऐसी उल्टी और अजीब सा कुछ बड़बड़ा रहा था, समझ नहीं आया क्या बड़बड़ा रहा है, मतलब लैंग्वेज अलग थी कुछ, भगवान जाने क्या लैंग्वेज है ना। मैं डर गया, मैंने कहा क्या है ये यार, है ना, और पता नहीं क्या, और मैं कह रहा और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, आंखें उल्टी यार, ये पुतली यहाँ पे गई, यहाँ पे गई है ना, और ऐसे से कर रहा है, और अजीब ही, मतलब इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। सो आई वाज शॉक्ड कि यार क्या क्या हो क्या रहा है यार, मतलब इवेंचुअली, मतलब 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, दैट टाइम आई वाज हैविंग अबाउट 17 इंच ऑफ बाइसेप्स, ठीक है, मेरे को डर लग रहा है कि भाई क्या ही है ना। एट द एंड मैंने वहाँ चिल्लाना शुरू किया, मैंने कहा यार भैया आओ, एक हमारे तरुण भाई थे वो और बाकी जितने बंदे थे सब आ गए। ये उल्टा ऐसे करके, जो आंखें ऐसे करके, जो कहाँ पर, मतलब कर आज भी अगर दिमाग में आता है ना वो सीक्वेंस, तो ईमानदारी से डर लगता है। तो एकदम से उसने मतलब ऐसा ऐसा किया कि जो जितने बंदे थे, हम जिम वाले जितने 5 6 बंदे थे, हमने कोशिश की कि इसको साइड करें, लेकिन ये इतना हैवी हो चुका था कि हमसे साइड ही नहीं हो रहा था, मतलब खिसकाया नहीं जा रहा था। तब भी बड़ी मेहनत से 4 5 लोगों ने इसको हल्का सा साइड किया, और जो तरुण भाई थे उसने कहा यार इसे क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या है। और विद इन लाइक 2 मिनट्स, क्योंकि वो जो मिस्टर एम है ही वॉज अ डांसर और सो वो एकदम से एथलेटिक तरीके से उठ गया और कह रहा कि मुझे घेर क्यों रखा है, मुझे तो कुछ नहीं है, क्या हुआ क्या हुआ। उससे पहले वो ऐसे करके बड़बड़ा रहा था या क्या भगवान जाने। विद इन 2 मिनट्स और विद इन 5 मिनट्स वो बिल्कुल ओके, और एथलेटिज्म मतलब बिल्कुल उस हिसाब से जैसे कोई स्पोर्ट्समैन नहीं होता, एकदम खट करके उठा और क्या होगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, समझ नहीं आया। तरुण भाई कहते यार कुछ ये इसको ना मंदिर ले जा। अब मैं तो भाई साहब ऐसा था, मैं तो कांपू मतलब यार इंसान ना जिसने वो चीज़ अकेले देखी हो कि आँख, मैं बता नहीं सकता यार वो आंखें कैसी हो गई थी और किस हिसाब से वो बड़बड़ा रहा था, क्या भाषा थी वो ये नहीं पता मेरे को, क्या चीज़ थी वो। और वो वाली बात की जो पहिया था सेम, वो उसके बिल्कुल सिर के पास हुई सेम, जो चीज़ 2005 में हुई थी, आप समझ रहे हो। तो इसलिए कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी चीज़ का। उसके बाद इसको मैं ले गया मंदिर, ले गया इसको मैं डॉक्टर पे, ले गया टिटनेस का टीका लगाया क्योंकि रोड पे गिरा था, ठीक है ना। और ये बंदा वो, मतलब मिस्टर एम, ये वो जो ना भगवान को मानता ना और किसी को मानता, नास्तिक जिसे कहते हैं, तब भी मंदिर गया और ये वो, है ना, पंडित जी को बोला कि जी कुछ करो ये वो। इसने अगले दिन जाना था घर, तो इसके जब मम्मी आप को पता चला तो उन्होंने इसको 2 से 3 दिन जाने नहीं दिया, या शायद हफ्ता जाने नहीं दिया, बिकॉज एक्चुअली में हुआ कहता है इसके अंदर कुछ आ गया था। अब कट टू बात ये होती है कि मैं इसको पहले मंदिर ले गया, फिर डॉक्टर पे ले गया, देन इसको मैंने घर छोड़ दिया। अब मुझे अकेला वापस आना है। अब जब आदमी अकेला दिन अकेला होता है ना, तब उसका दिमाग, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें आनी शुरू होती हैं। तो वही जो मतलब सामने मैंने देखा था वो मेरी आंखों में एज अ पिक्चर ऐसे करके दिमाग में आए जाए आए जाए आए जाए। भाई 20 21 साल का था मैं तब, बता दिए 6 फुट 1 इंच, 17 आधे लड़कों की फटती थी मेरे से, इतना हट्टा कट्टा बंदा, मेरे को सुसु जाने में भी डर लगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं। आई कैन मतलब वो चीज़ यार वही समझ सकता जिसने देखी हो, क्योंकि पहली बार देखी थी यार, वो आंखें नहीं समझ में आती, वो क्या बड़बड़ा रहा था वो नहीं समझ में आया, किस हिसाब से उसका वेट बढ़ गया ये नहीं समझ में आया। तो मुझे याद है अब सहारनपुर में हमारा घर था, तो मम्मी किचन में थी,
तो मैंने वो माँ किचन में ही रहना, मैं एक मिनट गैलरी से निकल के वहाँ सुसु कर लूँ, थोड़ा थोड़े आगे हमारा था। तो मेरे को सुसु करने में डर लग रहा है, टीवी देख रहा हूँ, मेरी आंखों में से आंसू आंसू बह रहे हैं डर के, क्योंकि वो चीज़ मेरे सामने, क्योंकि जब हुआ तब तो हिम्मत कर गया मैं, लेकिन जब वो चीज़ मेरे फ्लैशबैक आए जाए ना आए जाए, मेरे को डर लगे कि यार क्या हुआ था ये। मतलब ऐसा लगा था कोई बंदा मेरे से पूछ रहा था, भाई इसको मिर्गी के दौरे आते हैं क्या, कोई कहता भाई इसके अंदर क्या, मतलब पोजेस्ट है क्या है, क्योंकि जिन्होंने देखा उसको याद, अच्छा उस बंदे को कुछ नहीं याद है, उसका कहना ये है कि जब तूने मेरे को बोला कि कुछ यार हमें हाथ मिलाता हूँ, तो मेरा दिल कच्चा सा हुआ, मुझे पसीने पसीने आए, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने रोड कब पार की, और तू कह रहा है कि तू पीछे मुंडी करते हुए भाग रहा था, ऐसा कुछ उसको कुछ याद नहीं है, आज भी कुछ याद नहीं है। उसके बाद कट टू बताते हैं, 2011 के बाद हम 2015 में क्रॉट प्लेस मिले थे दिल्ली, तो मैंने वही बात छेड़ी, मैंने कहा तुझे याद है। अगला बंदा तब कहता भाई उस बारे में बात ना कर, मतलब उसको अंदर से तब भी ये खौफ था कि वो चीज़ क्रॉट प्लेस ना आ जाए आफ्टर 4 ईयर्स और समथिंग। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जिसके साथ होता है सिर्फ वो ही मानता है। आज वो मिस्टर एम मिलता है ना तो बात करता है कि यार ये वो है ना, साइंस की बात करता है, लेकिन इस चीज़ का जवाब उसके पास भी नहीं है कि वो रोड पार करके कैसे गया, और जो चीज़ मैंने देखी वो चीज़ क्या थी। मैंने छोड़ो पूरे जिम वालों ने देखी, वो तो तरुण भाई होता है ना यार, जो बंदा थोड़ा गांव से बिलीव कर टच रखता है या कुछ है, वो इन सब चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उसने सीधा ही बोला यार भाई इसे मंदिर ले जा, भाई ये कर ले, उसने दूसरी कोई बात ही नहीं बोली। मतलब आज भी अगर कभी मैं सोचता हूँ ना तो डर लगता है। उसके बाद हुआ कि यार बहुत सारी चीज़ें की, थोड़े हम बड़े हुए, 2-3 एक्सपीरियंस हुए, समझ में आया कि नहीं यार कुछ नहीं होता है ना, अलग अलग बंदों के अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिसके साथ हुई होती है, इसने देखी होती है ना, वो उस चीज़ को बिल्कुल मानता है। सो जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं ये एक एनर्जी है यार, आप समझ रहे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का जो है, भगवान से बड़ा कोई होता नहीं है। बाकी यार ये सिर्फ जो जो रियल स्टोरी है, हॉन्टेड या भूत कह लो आप, क्योंकि सहारनपुर जो है वो देवबंद जो है वो सहारनपुर में ही पड़ता है, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वहाँ पे जिन जिन होते हैं, जिन पढ़ने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनी सुनाई हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। जिसका होता है वो उसको आखिरी दम तक मानता है कि हाँ यार ये चीज़ है, लेकिन आज भी बता रहा हूँ वो जब ऐसे पीछे मुड़ के, पता नहीं क्या था यार, मतलब अलग ही चीज़ थी वो। जिसके साथ होता है ना गाइस सिर्फ उसी को पता होता है। बाकी अगर आपको और इस प्रकार की स्टोरीज सुननी हो जो कि रियलिटी बेस है, प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें यार वीडियो को, और प्यार करते रहें यार। बाकी साइनिंग ऑफ ऑन स्कूप, खुश भाई आपका, टेक केयर, जय माता दी, जय हिंद, जय भोलेनाथ।